मूवी की शुरुआत में हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जो कि समुद्र में फिशिंग कर रहे थे। तभी उनमें से एक फिशरमैन अपनी रॉड में एक कीड़ा लगाकर पानी में फेंक देता है। वो कीड़ा काफी ज्यादा घबराया हुआ था। इतनी ही देर में वहाँ लेनी नाम की एक शार्क फिश आ जाती है, लेकिन लेनी बाकी शार्क से काफी ज्यादा अलग थी क्योंकि उसे वेजिटेरियन खाना पसंद था, इसीलिए वो तुरंत ही उस कीड़े को आजाद कर देता है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई फ्रैंकी आकर लेनी का मजाक बनाते हुए उसे डांटने लगता है क्योंकि वो फिश नहीं खा रहा था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक फिश सिटी में आता है जो कि काफी ज्यादा सुनसान थी। तभी एंकर फिश कैमरे को देखते हुए बताती है कि इस टाउन से सभी शार्क्स चली गई हैं। ये न्यूज सुनते ही बाकी सभी फिशेज अपने घर से निकल आती हैं और खुशी मनाने लगती हैं। सभी शॉपकीपर्स अपनी अपनी दुकानें खोल लेते हैं। दरअसल यहाँ पर न्यूज एंकर सभी को शार्क अटैक्स और सिटी के हालात की जानकारी देते हैं। यही हम ऑस्कर नाम की एक फिश को भी देखते हैं जो कि अपनी टीवी के सामने नाच रहा था। ऑस्कर व्हेल वॉश नाम की एक कंपनी में काम करता है जहाँ पर सभी व्हेल्स को धोने का काम होता था। ऑस्कर की ही कंपनी में उसकी एक फीमेल फ्रेंड एंजी भी काम किया करती है। वो आकर उसे परेशान करने लगता है, दरअसल वो उसके साथ मजाक कर रहा था। और यही हमें पता चलता है कि मन ही मन में एंजी ऑस्कर को काफी ज्यादा पसंद करती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर व्हेल वॉश के ओनर स्पाइक्स पर जाता है जिसके पास लिनो नाम की एक खतरनाक शार्क आई थी। दरअसल स्पाइक्स लियो को घूस देता था ताकि वो उसकी कंपनी पर अटैक ना करे, लेकिन अब लियो स्पाइक से डिमांड बढ़ाते हुए कहता है कि वो उसके दोनों बेटों को अपने व्हेल वॉश में जॉब दे दे, जिस पर स्पाइक उसे मना करते हुए कहता है कि अगर उसने उन्हें जॉब दी तो आसपास की सभी फिशेस उन्हें देखकर डर जाएंगी और उसका बिजनेस भी ठप हो जाएगा। ये सुनकर लियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और उस स्पाइक के साथ अपनी डील को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहीं पर स्पाइक्स को याद आता है कि ऑस्कर के ऊपर उसका कुछ उधार है, इसलिए वो अपनी जेली फिशेस एजेंट्स को ऑस्कर को बुलाने को कहता है जो कि एक व्हेल का दांत साफ कर रहा था। अब वो दोनों जेली फिशेस उसे पकड़कर स्पाइक के पास ले आती हैं, जहाँ स्पाइक्स उससे अपने $5,000 वापस मांगने लगता है। ऑस्कर उससे कहता भी है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है। तब स्पाइक्स उसे 24 घंटे की मोहलत देते हुए कहता है कि याद रखना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। इसके बाद उदास ऑस्कर दोबारा एंजी के पास आकर उसे सब कुछ बता देता है और दुखी मन से कहता है कि वो मेहनत करके फेमस होना चाहता था ताकि उसे कभी भी किसी से उधार ना लेना पड़े। असल में ऑस्कर के फादर एक ट्रंक स्क्रबर थे और बचपन से ही ऑस्कर भी एक महान ट्रंक स्क्रबर बनना चाहता था, पर जब ये बात उसने अपने स्कूल में बताया तब सभी बच्चे हंसकर उसका मजाक बनाने लगे, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। इधर एंजी जब ऑस्कर को परेशान देखती है तब वो अपनी दादी का एक कीमती मोती लाकर ऑस्कर को दे देती है क्योंकि वो ऑस्कर को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती थी। ऑस्कर भी उस मोती को लेकर बेच देता है जिसके उसे $1,00,000 मिलते हैं। अब वो जब स्पाइक्स का उधार चुकाने के लिए हॉर्स कोर्स जा ही रहा था कि तभी लोगों की बातों से उसे पता चलता है कि आज का मैच फिक्स्ड है जिसे लकी नाम का एक हॉर्स ही जीतेगा। अब ऑस्कर भी ये सुनकर लालच में आ जाता है और वो अपने पूरे $1,00,000 उस लकी नाम के घोड़े पर लगा देता है। उसे ऐसा करते हुए लोला नाम की एक सुंदर फिश देख रही थी और उसे लगता है कि ऑस्कर एक बहुत ही अमीर फिश है, इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ऑस्कर भी लोला की ब्यूटी को देखकर पिघल जाता है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी स्पाइक्स वहाँ पर आ गया था। तब लोला उसे कहती है कि वो ऑस्कर को परेशान ना करे क्योंकि वो बहुत ही अमीर फिश है जिसने कि $1,00,000 सिर्फ रेस में ही लगा दिए। ये सुनते ही स्पाइक्स ऑस्कर को अपने साथ ले जाता है और वो उससे पूछता है कि कौन सा और कैसे घोड़ा जीतने वाला है। तब ऑस्कर उसे कहता है कि मुझे पता है कि आज लकी नाम का ही घोड़ा रेस को जीतने वाला है। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है जिसमें बदकिस्मती से लकी इस बार पहले ही फिनिश लाइन से गिर जाता है और वो सबसे लास्ट आया था। ये देखकर स्पाइक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपना सारा पैसा दांव पर लगाकर खो दिया था। वो अपनी जेली फिशेस से ऑस्कर को समुद्र के सबसे अंधेरे एरिया में बांध कर आने को बोलता है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिनो अपने बेटों को बोलता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तुम दोनों को ही मेरा बिजनेस संभालना पड़ेगा। खाने के समय वो अपने बेटे लेनी को कुछ झींगे खाने को देता है, लेकिन अब क्योंकि लेनी वेजिटेरियन था इसलिए वो उन झींगों को आजाद कर देता है। अब ये देख कर लिनो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बड़े बेटे फ्रैंकी से कहता है कि तुम जाओ और लेनी को एक शार्क बनना सिखाओ ताकि वो मछलियों को खा सके। और फ्रैंकी लेनी को लेकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे अब फिश खाकर दिखानी ही होगी। यहाँ लेनी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तभी अचानक ही उन दोनों की नजर ऑस्कर पर पड़ती है जिसको उन जेली फिशेज ने बांध कर रखा हुआ था और वो दोनों उसे टॉर्चर भी कर रहे थे। फ्रैंकी तुरंत ही लेनी को कहता है कि वो ऑस्कर को खा जाए।
अब लेनी ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो फिर भी वहाँ जाता है। लेनी को आता देखकर वो दोनों ही जली फिशेस काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। ऑस्कर को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता, मगर जब वो लेनी को देखता है तब वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन लेनी भी एक्टिंग कर रहा था, मानो वो ऑस्कर पर अटैक कर रहा है, और ऐसा करके वो उसे छुड़वा देता है। ये देखकर फ्रैंकी गुस्से में लेनी के पास आता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें इस मछली को खाकर दिखाता हूँ। इसके बाद वो ऑस्कर के पीछे पड़ जाता है, पर तभी अचानक से ही फ्रैंकी के ऊपर एक शिप का टूटा हुआ टुकड़ा आकर गिरता है, जिसके नीचे आकर उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। अब ये देखकर लेनी काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो भी वहां से भाग जाता है। इधर उन दोनों जेलीफिशेस को लग रहा था कि ऑस्कर ने ही फ्रैंकी को मार डाला। अब इस इंसिडेंट के बाद ऑस्कर अपनी पूरी सिटी में काफी ज्यादा फेमस हो गया था। सिटी के सभी लोगों को लगता है कि ऑस्कर एक बहुत ही बहादुर मछली है जिसने शार्क को ही मार डाला। यहाँ तक कि इंटरव्यूज के लिए भी उसे बुलाया जाने लगता है। ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान ऑस्कर झूठ बोल रहा था कि कैसे हिम्मत के साथ उसने फ्रैंकी का सामना किया है। तभी वहाँ पर स्पाइक्स भी आ जाता है और कहता है कि जिसे जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो, क्योंकि मैं ऑस्कर का मैनेजर हूँ। ऑस्कर स्पाइक्स की इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए वो स्पाइक्स को साइड में ले जाकर पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो, जिस पर स्पाइक्स उसे कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारा सारा उधार माफ कर दूं, तो तुम मुझे अपना मैनेजर बना लो, जिससे हम दोनों का ही फायदा होगा और पैसों को तो हम 50-50 कर लेंगे। अब इस डील के लिए ऑस्कर भी रेडी हो गया था। यहीं अब सिटी के सभी लोग ऑस्कर को शार्क किलर के नाम से पुकारने। अब सीन शिफ्ट होकर यहाँ से फ्रैंकी के फ्यूनरल पर जाता है, जहाँ पर सभी शार्क्स मौजूद थी। लीनो भी अपनी बेटी की मौत से काफी ज्यादा दुखी था। तभी वहाँ पर एक शार्क आकर उसे बताता है कि कैसे एक छोटी सी मछली शार्क किलर के नाम से मशहूर है, क्योंकि उसने ही फ्रैंकी को मारा था। ये बात सुनकर लेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी एजेंट ऑक्टोपस को ऑस्कर को लाने को कहता है। इधर सिटी में ऑस्कर भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था और अब वो पूरी तरह से एक स्टार बन चुका था। लूला भी उसके फेमस होने की वजह से ही उसके साथ थी, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा अमीर बन चुका था, जिसके चलते उसने एक बड़ा सा घर भी लिया होता है। एक दिन वो टाउन के सभी लोगों को अपनी पार्टी में बुलाता है। वहाँ पर पार्टी में एंजी भी आई होती है, जो यहाँ पर ऑस्कर को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। ऑस्कर भी एंजी को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम्हारे बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता था। इसके बाद वो उसे पर्ल भी वापस कर देता है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लोला भी आ जाती है और वो ऑस्कर को बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाती है। ये देखकर एंजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी एक छोटी फिश आकर सभी को बताती है कि उन्हें एक शार्क ने घेर लिया है। सभी लोग ऑस्कर की तरफ ही देखने लगते हैं ताकि वो बाहर जाकर उसके साथ मुकाबला करे। वैसे तो ऑस्कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सभी के बोलने पर उसे जाना पड़ता है। अब जब वो डरते हुए बाहर देखता है तब उसे वहाँ पर लेनी नजर आता है। लेनी उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे अपने साथ रख लो, क्योंकि मुझे अपने फादर के पास नहीं जाना। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी ऑस्कर को कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करता है तो देखता है कि कुछ छोटे बच्चे एक दीवार पर मरी हुई शार्क की ड्रॉइंग बना रहे थे। वो ऑस्कर को देखते ही खुश हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो उनका सुपर हीरो है, क्योंकि उसने फ्रैंकी को हराया है। अभी सब कुछ लेनी सुन लेता है और जैसे ही ऑस्कर उन बच्चों को भगाकर उसके पास आता है, तब लेनी उसको ब्लैकमेल करते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता है कि तुमने सबसे कैसे झूठ बोला है, इसलिए अगर तुम मुझे साथ में लेकर नहीं चलोगे तो मैं सभी को बता दूंगा कि तुमने फ्रैंकी को नहीं मारा और सिर्फ यहाँ पर डींगे बघा रहे हो। अब ये सुनकर ऑस्कर काफी ज्यादा डर जाता है और वो ना चाहते हुए भी अपने साथ उसे ले जाकर एक पुराने दुकान में छुपा देता है, जिसका पता सिर्फ उसे और एंजी को ही था। यही ऑस्कर लेनी से पूछता है कि वो अपने घर वापस क्यों नहीं जा रहा। तब लेनी उसे बताता है कि असल वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि वो एक शुद्ध शाकाहारी शार्क है और जिसके चलते मेरे फादर मुझे एक धब्बा समझते हैं और इसलिए वो हर वक्त मुझे मछली खाने को ही फोर्स करते हैं। अब ऑस्कर उससे उसके फादर का नाम पूछता है, जिस पर लेनी कहता है कि उसके फादर यहाँ के एक खतरनाक शार्क है, उनका नाम लियो है। ये सुनते ही ऑस्कर की हालत खराब हो जाती है कि उसने लियो के बेटे को मार डाला है। तभी वहाँ पर एंजी भी आ जाती है और अब उसको भी लेनी के बारे में पता चल चुका था। अब ऑस्कर एंजी से अपने झूठ के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जिसके बाद वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं, जिसके तहत ऑस्कर और लेनी सिटी के सभी लोगों के सामने लड़ने का ड्रामा करते हैं। ये सारी फाइट टीवी पर भी दिखाई जा रही थी। फाइट के एंड में लेनी ऑस्कर से हारने का नाटक करता है, जिसे देखकर सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लोला आकर ऑस्कर को किस करती है। ये देखकर एंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वापस लेनी के पास चली जाती है। इसके बाद थोड़े समय बाद जब ऑस्कर दोबारा एंजी के पास आता है, तब वो देखता
देखता है कि एंजी पूरी तरह से आग बबूला है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब एंजी उसे कहती है कि ऑस्कर तुम क्या अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ पर बिताओगे। और ऐसे ही गुस्से में वो उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है कि जब तुम कुछ भी नहीं थे तब से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम पूरी तरह से झूठे और मक्कार किस्म के मछली हो चुके हो और लोला भी तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए ही है, जबकि वो तुमको प्यार भी नहीं करती। इतना सुनकर दुखी मन से ऑस्कर वहाँ से चला जाता है और वो पूरे रास्ते सिर्फ एंजी की ही बातों को सोच रहा था। अपने घर पर पहुँचते ही वो लोला से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि एंजी उसके लिए परफेक्ट है और वो उसे हमेशा से ही प्यार करता था। इसके बाद वो एंजी को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। वो दुकानों से चॉकलेट और बलून्स लेकर एंजी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि लीनो ने उसे किडनैप कर लिया है। अब घबराया हुआ ऑस्कर लेनी के साथ तुरंत ही स्पाइक्स के पास जाता है ताकि वो उसकी मदद करे। इसके बाद वो तीनों ही मिलकर लियो के पास पहुँचते हैं, जिससे वो लोग एंजी को बचा सके। लेनी वहाँ पर एक वेल के भेष में गया था। वहाँ पहुँचने पर ऑस्कर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस सभी प्लान में लोला भी शामिल थी, क्योंकि वो भी शार्क्स के पास होती है। वहाँ पर लियो के साथ बाकी सभी शार्क्स मौजूद थी और उन्होंने टेबल पर एंजी को बांध रखा था, मगर तभी लेनी अचानक ही उठकर एंजी को अपने मुंह में डालकर भाग जाता है, जिसके बाद सभी शार्क्स उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन गलती से ऑस्कर लेनी को उसके नाम से बुला देता है, जिससे लियो को पता चल गया था कि ये कोई वेल नहीं है बल्कि उसका बेटा है। ऑस्कर यहाँ से भागता है और बाकी शार्क्स उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। तब लेनी अपने फादर को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो एक शाकाहारी शार्क है और वो मछलियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो उसको ऑस्कर की सच्चाई भी बता देता है कि उसने फ्रैंकी को नहीं मारा। अब ये बात सुनकर लियो ऑस्कर से सच्चाई जानने के लिए उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो दोनों वेल वॉश पहुंच जाते हैं, जहां ऑस्कर लीनो को एक बड़ी मशीन के अंदर फंसाकर बंद कर देता है, जिसे देखकर वहां सिटी की सभी फिशेस पहुंच जाती हैं, जिनकी नजरों में ऑस्कर फिर से एक बार हीरो बन गया था। लेकिन ऑस्कर इस बार गिल्ट में चला जाता है और वो उन्हें शांत करवाते हुए अपनी सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि उसने किसी शार्क को नहीं मारा, बल्कि वो तो अचानक ही हो गया था। वो लियो को भी लेनी को अपनाने को कहता है और कहता है कि लेनी एक बहुत ही अच्छा शार्क है, वो सबसे यूनिक है और तुम्हें अपने बेटे को एक फादर की तरह प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इतना सुनकर लियो को भी समझ आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही लेनी को अपने गले लगा लेता है। इसके बाद वो ऐलान करते हुए कहता है कि अब वो किसी भी छोटी मछली को परेशान नहीं करेगा और यहाँ की सभी मछलियाँ आराम से रह सकती हैं। तब तक वहाँ पर एंजी भी पहुँच चुकी थी और ऑस्कर उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी